नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति हो जाने के बाद गांव की सरकार बन चुकी है, मुखिया का चुनाव हो चुका है। अब गांव के विकास की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। किस तरह से वो गांव की विधि व्यवस्था को बनाते हैं और किस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, कितना विकास करते हैं, ये देखने की बात होगी। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जा रही है, नवनिर्वाचित मुखिया से रूबरू करवा रही है आपको और जानने का प्रयास कर रही है कि क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, लोगों ने जो बदलाव किया है वो कितना सही साबित होगा और कितना मुखिया उस पर खड़े उतरते हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत बैकुंठपुर प्रखंड राजपाकर पहुंची और वहां के नवनिर्वाचित मुखिया मांझीलाल से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं नवनिर्वाचित मुखिया मांझीलाल से। नमस्कार मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी बिहार न्यूज में और बिहार न्यूज की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर, आपको भी। मुखिया जी ये बताएं, पदभार कब ग्रहण कर रहे हैं? 29 तारीख को जी। तो पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी, कौन सा कार्य करना है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ काम जो जितने पेंडिंग है समाज का, उसमें सबसे पहला काम है हमारे यहाँ शराब बंद करना जी। दूसरा काम है इंदिरा आवास में जो कमीशन लिया जाता है 20,000 रुपया, उसको पहले बंद करना। दूसरा काम है कि जितने लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उनको देना। तीसरा काम है कि जो डीलर 35 केजी अनाज में 30 केजी देता है, 5 केजी काट लेता है प्लस 20 रुपया एक आदमी से एक्स्ट्रा लेता है, उसको बंद करना। और हमारे ब्लॉक में भ्रष्टाचार का सीमा पार है, उसको बंद करेंगे जी। जी जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पैसे की लेन देन की जा रही थी, आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार काफी व्याप्त था, तो इसको कैसे रोकेंगे मुखिया जी, क्या योजना है? अभी हम जिस दिन से चुनाव जीते हैं, सर्टिफिकेट मिला है चुनाव जीतने का, उस दिन से मैं आज तक और अभी भी आपके चैनल के लोग हैं, अभी भी मैं हर वार्ड में डेली मीटिंग करता हूँ, 200-400 लोगों के साथ बैठता हूँ। मैं उनको तैयार कर लिया हूँ कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है और बिना पैसे का हम काम करेंगे और कराएंगे, सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है हमको जी। जी, लोगों को जागरूक भी होना चाहिए, अपने योजनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए कि क्या योजनाएं हैं और किस तरह से हमें इसका लाभ मिलेगा। अभी हम जब से जीते हैं तब से हर वार्ड में यही कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं क्या क्या चीज आपको मिलना है और क्या क्या चीज आपको मिलेगा, और मिलेगा तो पैसा नहीं देना है, ये उनको बता के उनको तैयार कर रहे हैं। लगभग हम 80% पब्लिक को तैयार कर लिए हैं कि पैसा किसी भी हाल में सरकारी जो हमारे पास काम आता है या पैसे आता है, योजना आती है, उसमें नहीं देने के लिए हम तैयार कर लिए लगभग लोगों को जी। और ये बताएं मुखिया जी कि इस वक्त जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लोग किस समस्या से परेशान है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग की जा रही है? अभी सबसे ज़्यादा समस्या तो अभी हमारे पास धीरे धीरे कमा है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अभी आम लोगों में परिवार में शराब का था, लेकिन धीरे धीरे हम एक महीना जब 20 दिन हो गए हमको लिए हुए वक्त, उस दिन से हमारे यहाँ जितने लोग शराब बेचते थे, शराब बनाते थे, सबको मैंने बंद कर दिया और लोगों को राहत में है, मतलब 1-2 लोग पीने वाले बचे हैं हमारे पंचायत में, मैक्सिमम लोगों को हमने बंद कर दिया। और हम अपने पंचायत में सभी वार्ड में जाकर लोगों को बताए हैं कि जो लोग शराब छोड़ देंगे और हमारे पास आएंगे बताएंगे, हम उनको 1 लीटर 1/2 लीटर दूध प्रतिदिन देंगे हम अपने तरफ से जी। हम ये सभी लोगों को बता चुके हैं मुखिया जी। जी 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 मुखिया जी, आपके यहाँ अपने शिक्षा पे क्या सुधार करना है, उसका क्या माहौल? अभी हम ओथ नहीं लिए हैं, कल हम जब ओथ ले लेंगे तो हम अपने स्कूल में सभी जितने हमारे यहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल है और आंगनबाड़ी केंद्र है और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, हम सभी जगह एक एक मोबाइल लगा रहे हैं। स्कूल में लोगों को 9 बजे से जाना है, मास्टर आते हैं 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे चले जाते हैं। हम कल वोट लेने के बाद परसों से हम शुरू कर रहे हैं, सभी जितने भी स्कूल है हमारे पंचायत में, सभी स्कूल पर मैं एक मोबाइल गेट पे लगाऊंगा, एक आदमी खड़ा करूंगा, उनको आने जाने का पूरा रिपोर्टिंग करूंगा और मैं किसी मास्टर से बात नहीं करूंगा और मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा कि कब आना है और कब जाना है। मैं सिर्फ रिपोर्ट करूंगा सारा चीज कैमरा के माध्यम से और वो कैमरा का जितने भी हमारे पास रिपोर्ट दिन भर का होगा उनका आने और जाने का, हम सीधे चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और कलेक्टर को मैं उनके व्हाट्सएप पर डालूंगा। हम किसी भी प्रतिनिधि से और किसी भी मास्टर से बात नहीं करेंगे, हम ये करने जा रहे हैं परसों से, यानी कल वो लेंगे, 30 तारीख से शुरू करेंगे जी।
जी, और आपके यहाँ पंचायत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? एम्बुलेंस वगैरह ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, आपातकालीन व्यवस्था नहीं है, इस पर क्या सोचा है? जो हमारे पीएससी यहाँ है वहाँ कुछ एम्बुलेंस है, उस पर कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, करेंगे अभी कि हम लोग को हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दिया जाए जी, हम लोग का डिमांड होगा जी। तो इस वक्त स्वास्थ्य केंद्र आप जो आपके यहाँ है वहाँ पर इलाज की व्यवस्था सही तरीके से है? हमारे यहाँ जो पीएससी है राजा पाकर में, वहाँ व्यवस्था है लेकिन हमारे संतोषजनक नहीं है जी, लेकिन डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, छोटा केस है उसको भी वो लोग रेफर कर देते हैं पीएमसीएच और हाजीपुर के लिए, इससे हम लोगों को काफी कठिनाई होता है। हम कल के बाद इस पर भी बात करेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि उनको इस बात को मैं आगे सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी मंत्री तक पहुंचा दें कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम सब उनको आगे तक देंगे। और हमारे यहाँ और एक दो समस्या है, हम अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं जी बिल्कुल। अभी हम मुखिया संघ के जिला के अध्यक्ष हैं और मैं अपने राजापुर प्रखंड संघ के भी अध्यक्ष हैं मुखिया का, अभी 5-7 मुखिया का मर्डर पूरे बिहार में हो गया है, जिसमें हमारे एक मुखिया पर हमला भी हो गया 19 तारीख को लालगंज में, राम प्रवेश सहनी जी पर जी। हम लोगों ने वहाँ मीटिंग किया, उसके बाद हमने कलेक्टर और एसपी दोनों से मिले हैं और मिल के उनको ज्ञापन दिए हैं कि मुखिया को आप सुरक्षा दीजिए, और मुखिया को सुरक्षा आप नहीं दीजिएगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे, इसलिए कि गांव में जितना काम करने के लिए हमको आप दिए हैं जवाबदेही, वो सब काम करने में हमको कठिनाई होगी तब जब हम उस काम को सही रास्ते पर ले जाना चाहेंगे। अभी हमारा ये जी, तो मुखिया सुरक्षा की तो बात सरकार ने कही है कि अब उन्हें मिलेगा, सरकार कहे हैं कि हम मुखिया को सुरक्षा देंगे, लेकिन सर कहने से नहीं होगा, उसमें करना पड़ेगा सरकार को, और सरकार हमको अपना जो हमारा अनुभव है अभी नया होने के कारण कि एमएलए एमपी से ज़्यादा काम गांव में समाज में दिया गया है मुखिया के जिम्मे, तो हम स्कूल देखना है, हॉस्पिटल देखना है, पीएससी देखना है, आंगनबाड़ी देखना है और सारे चीज़ों को देखना है, तो हम जब सही काम करने के लिए जब निकलेंगे तो विरोधी हमारे सामने खड़ा होंगे, तो हमको अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर भ्रष्टाचार को हम रोकने में असमर्थ हो जाएंगे जी। तो मुखिया जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्षेत्र में समस्याएं और पैसे की लेन देन की गई है योजनाओं में, क्या कुछ लगता है मुखिया जी 5 वर्षों का लोगों ने आपको मौका दिया है, आप पे भरोसा किया है, कितना आत्मबल विश्वास है कि लोगों की भरोसे पर खड़े उतरेंगे और क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? हम ये कहना चाहेंगे आपको, ऐसे तो हम गारंटी नहीं करेंगे लेकिन हम ये आश्वासन देंगे आपको, हम चाहेंगे कि आपका चैनल फिर आपके आज के 6 महीना बाद हमारे पास और हमारे पंचायत में आके सर्वे करे कि मैं जितना चीज़ बोल दिया हूँ उतना चीज़ को तो मैं बंद कर ही दूंगा हर हाल में, चाहे इसके लिए रिजाइन करना पड़ेगा तो मैं मुखिया से रिजाइन कर दूंगा, जिससे लड़ना होगा लड़ूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगा अपने पंचायत में और ब्लॉक में जी। मुखिया जी, लोगों ने बदलाव किया है तो विकास तो बाधित हुआ है, ये तो समझ में आता है, स्पष्ट है। बहुत से क्षेत्रों में इस तरह से भी बात हुई कि जैसे नल जल योजना हुई, कार्य हुए हैं, नल भी लगा हुआ है, टंकी भी लगी है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मुहैया हो रही है सही तरीके से, तो आपके क्षेत्र में इस तरह की क्या हमारे यहाँ समस्या है कि पानी का सप्लाई गया है, कहीं नल नहीं है, कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं समय से नहीं चलता, हम उसको ठीक कर रहे हैं, जिस दिन से हम जीते हैं उस दिन से हम ठीक कर रहे हैं सब चीज़ों को, और जो मैं एक वित्तीय पावर जो है वो नहीं होने के कारण कुछ जगहों पर जहां पानी की व्यवस्था में गड़बड़ी है उसको हम नहीं ठीक कर पा रहे, हम ये करेंगे कल परसों के बाद जी। मुखिया जी, कितने क्या आंकड़ा रहा आपकी जीत का, कितने मत मिले थे? जीत की आंकड़ा तो बहुत कम था, हमको 250 वोट से मात्र हम जीते हैं जी। जी तो जी, तो कितने वर्षों से सक्रिय हैं यहाँ इस क्षेत्र में आप? हम 1995 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे जंदाहा से, फिर 2000 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा जंदाहा विधानसभा से, उसके बाद मैं जिला परिषद बना 2001 में, 2006 तक जिला परिषद के सदस्य रहे यहाँ, उसके बाद हमारी वाइफ श्रीमती आरती रहे हैं, वो 10 साल से जिला परिषद यहाँ रहे हैं, उसके बाद अति पिछड़ा सीट यहाँ हो गया इसलिए हम यहाँ से हमारी वाइफ जो आरती रहे हैं वो जिला परिषद नहीं रहे हैं, लेकिन सक्रिय हम लोग बहुत दिनों से राजनीति में हैं और सब दिन कोशिश की है कि काम निस्वार्थ और बिना पैसे के करें, और इसी से हम जाने जाते हैं यहाँ, और लोग मुझे इसी से प्यार करते हैं
जी, तो कितना भरोसा था इस जीत का, मुझे क्या उम्मीद थी आपको? आज के दौर में आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार का सीमा पार था चुनाव में, पैसों का, शराब का, मुर्गा का। इस भ्रष्टाचार में विरोधियों ने 50 लाख से लेकर करोड़ रुपया तक खर्च किया अपने चुनाव में, लेकिन मुझे 5,000 रुपया भी खर्च नहीं हुआ पूरे चुनाव में। मुझे इस बात का बहुत गौरव है और इस जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों को कि लोगों ने मुझे बिना पैसे का और बिना शराब और बिना मुर्गा का लाखों लाख खर्चा करने वालों को छोड़ के मुझे पसंद किया। जी, तो जब लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल है, कितना उत्साह है लोगों में आपको लेकर? लोगों का बस एक कहना है कि उम्मीद आपसे है, इसीलिए आपको हम वोट दिया है। जी जी, बिल्कुल ये सही बात है। अगर जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों के लिए जिम्मेदारी सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो लोगों को उम्मीदें तो जगती ही हैं, और जब बदलाव किया है लोगों ने तो लोगों की आपसे काफ़ी उम्मीदें जरूर हैं। अब हमारे चैनल के माध्यम से मुखिया जी सरकार से भी कोई मांग करना चाहेंगे? जी, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप जितने भी हमारे मुखिया हैं पूरे बिहार में, हम उनके लिए चाहेंगे कि आपका अंग है बिहार में, मुखिया आपके अंग के मतलब एक हिस्सा है आपके पंचायत का, पूरे राज्य का एक एक हिस्सा में एक एक पंचायत आप मुखिया बना दिए हैं। जो मुखिया हैं उनको सुरक्षा की आप विशेष व्यवस्था करिए, उनको सुरक्षा दीजिए और उनको टास्क दीजिए काम करने का, और उसका मॉनिटरिंग मुखिया जी का हम चाहते हैं कि सीएम साहब खुद करें, उनके चीफ सेक्रेटरी करें, और जो जिले में कलेक्टर डीडीसी बैठे हैं हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को बैठावे मुख्यमंत्री जी जो मॉनिटरिंग करें मुखिया को सीधा, और सीधा उनसे संवाद करें और उनके कामों का जांच करें। मुखिया जो काम करता है उसकी जाँच सीधा चीफ सेक्रेटरी और डीएम और डीडीसी करें कि काम में पारदर्शिता हो, और काम जो नीतीश जी और इस मुख्यमंत्री के द्वारा आएगा, उनके द्वारा जो पावर दिया गया है उसको सही सही जमीन पर उतारा जाए, हम उनसे मांग करते हैं। जी मुखिया जी, जी मुखिया जी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी काफी है, पलायन बहुत है, तो इसके लिए भी आपने कुछ सोचा है क्या, कुछ योजना है आपकी? मुखिया के लिए क्या है, वो तो मनरेगा में काम होगा आपको। जी, मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत काम करेंगे तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बेरोजगारी खत्म होगा, इसलिए कि लेबर भी हमारे यहाँ से बहुत पलायन कर गए हैं, बाहर चले गए हैं, लेबर भी कम है, और जो लेबर है वो सभी लोग मजदूरी नहीं कर सकते हैं, सभी लोग माटी काटने का काम है मनरेगा में, तो उतना लोग कर नहीं सकते। हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे इस मुद्दे पर, हम आपके सवाल से, कि सरकार और कुछ व्यवस्था करे पंचायत में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सके। जी, और मुखिया जी महिलाओं के रोजगार के लिए क्या सोचा है कि उन्हें भी कुछ छोटी मोटी रोजगार उपलब्ध? इस चुनाव में जब मैं अपने लोगों से घर घर मिला तो महिलाओं पर मुझे बहुत विश्वास हुआ, कहे कि तुम महिलाओं ने जिस जिस लोगों से वादा किया वोट का, उन लोगों को महिलाओं ने बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होकर वोट दिया, और उनको हम चाहते हैं कि जेंट्स से ज़्यादा महिलाओं को हैंड अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। जी जी मुखिया जी, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को नहीं, मैं पूरे बिहार के जनता को बधाई देना चाहता हूँ, जिला ब्लॉक के जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आप जिस मुखिया को आपने चुना है आप उस पर चढ़ के आप उससे अपने काम को करावें, और भ्रष्टाचार रोकने में सरकार को और मुखिया को भी मदद करें, और आपके चैनल से आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को इसके लिए चुना, और हम आपके आभारी हैं। आपको मैं चाहूँगा कि दिन दुनिया रात चुनी आपके चैनल को हर गांव, हर मोहल्ला, हर वार्ड में चला जाए कि इस तरह की योजनाओं और इस तरह के कामों को अपने कवर करें, और हम चाहते हैं कि आप खास करके हम लोगों के पास आप अपने सर्वेयर को भेजिए बीच बीच में, और हमारे जो गलती काम हम करेंगे उसको वो लोग उजागर करें और हमको पकड़ के बंद करें, सरकार हमको बर्खास्त करे। हम चाहते हैं आपके चैनल से, सरकार से मांग करते हैं कि आपके चैनल का टीम जाए सब जगह और जितनी बुराइयाँ हैं उसको, हमारे खिलाफ जो काम हो रहा है, हम जो गलत कर रहे हैं उसको वो बाहर निकालें, और हम पर सजा कराने के लिए वो चैनल के माध्यम से सरकार तक जाए और सरकार उस पर अमल करे, हम ये चाहते हैं। जी मुखिया जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार न्यूज़ की तरफ से नए कार्यकाल की शुभकामनाएं। बिहार न्यूज़ की तरफ से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। जी धन्यवाद, नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत बैकुंठपुर प्रखंड राजपाकर से मुखिया मानसलाल, जिन्होंने बताया कि जनता का
भरोसा और विश्वास उन्हें मिला है और जिस भरोसे से लोगों ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में से भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही और कहा कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होगा, योजनाएं धरातल पर उतरेंगी और लोगों को एक पैसा नहीं देना होगा, इसकी वो व्यवस्था करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की कि मुखिया के कार्यों की भी जांच होनी चाहिए और एक कमेटी गठित कर उस पर भी निगरानी रखनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।